प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एक नए दिन के साथ। ठीक है, तो पिछले कल हमने पढ़ा था वेब ब्राउज़र्स के बारे में। ठीक है, तो वेब ब्राउज़र क्या होते हैं? एक तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, जहाँ पे हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं, इंटरनेट को चलाते हैं। ठीक है, अब वहाँ पे तो हम इंटरनेट को चला लेंगे, ठीक है, लेकिन चीज़ों को ढूंढने का काम करते हैं हमारे सर्च इंजिन्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सर्च इंजन। ठीक है, ब्राउजिंग इंटरनेट थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्च इंजन्स। इंटरनेट के ऊपर ब्राउज होता है मतलब चीज़ों को देखना, सरसरी नज़र से देखना। वैसे ब्राउज को हिंदी में बोलते हैं सरसरी नज़र से देखना। ब्राउजिंग इंटरनेट थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्च इंजन्स, इंटरनेट के ऊपर सरसरी नज़र से देखना तरह तरह के सर्च इंजन्स के जरिए, थ्रो जरिए। वी कैन ओपन दीज सर्च इंजन प्रोग्राम्स इन वेब ब्राउजर्स। हम इन सर्च इंजन प्रोग्राम्स को कहाँ पे ओपन करते हैं? वेब ब्राउजर के अंदर। ठीक है, तो ये सर्च इंजन तो बहुत सारे हैं, उनमें से हम जो बुक में दिए हुए हैं उनके बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, एक पहला है गूगल, दूसरा याहू और तीसरा है विंग। जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं वो है गूगल। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम गूगल के बारे में। गूगल, अब गूगल की फुल फॉर्म मैंने आपको शुरू में ही बता दी थी ना। गूगल स्टैंड्स फॉर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। ठीक है, तो गूगल इज ए सर्च इंजन प्रोग्राम। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन प्रोग्राम है दैट यूजेस अ कंप्यूटर प्रोग्राम कॉल्ड वेब क्रॉलर टू सर्च इंफॉर्मेशन ऑन बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स दैट आर अवेलेबल ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, अब गूगल क्या है? एक सर्च इंजन प्रोग्राम है जो यूज़ करता है एक कंप्यूटर प्रोग्राम को, जिसका नाम है वेब क्रॉलर। ठीक है, अब गूगल सर्च इंजन जो है वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम को यूज़ करते हैं जिसका नाम है वेब क्रॉलर। किसके लिए? टू सर्च इंफॉर्मेशन ऑन बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स, इंफॉर्मेशन को ढूंढने के लिए करोड़ों वेबसाइट्स के ऊपर। दैट आर अवेलेबल ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर उपलब्ध है। समझ आया? गूगल सर्च इंजन क्या करता है? एक प्रोग्राम को यूज़ करता है जिसका नाम वेब क्रॉलर है, इंफॉर्मेशन को ढूंढने के लिए करोड़ों वेबसाइट्स के ऊपर। दैट आर अवेलेबल ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर उपलब्ध है। इट प्रोवाइड वेब रिलेटेड सर्च। अब इसमें देखो क्या वेब रिलेटेड सर्च हमें प्रोवाइड करते हैं, हम क्या क्या इसके अंदर ढूंढ सकते हैं? पिक्चर्स ढूंढ सकते हैं, वीडियोस, मैप, सॉफ्टवेयर, गेम्स, मूवीज, गाने, जो मर्जी ढूंढ लो इन सर्च इंजन के अंदर। ठीक है, ये ढूंढने के काम आते हैं, तभी इनका नाम क्या रखा हुआ है? सर्च इंजन। वी कैन सर्च इंफॉर्मेशन ऑन गूगल by typing keywords related to information inside the search engine bar. We can search information on Google. हम information को ढूंढ सकते हैं Google के ऊपर by typing keywords. कुछ keywords को type करके related to information, जो उस information से संबंधित होते हैं, हम उन्हीं शब्दों को enter करते हैं जो हमें चाहिए होती है information inside the search bar. उसमें क्या होती है? एक search bar बनी हुई होती है। चलो मैं आपको practically करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो हम ओपन कर रहे हैं पहले वेब ब्राउज़र। ये मैंने ओपन कर दिया वेब ब्राउज़र। अब यहाँ पे हम लिखेंगे www.google.com। तो ये आ गया हमारा गूगल सर्च इंजन, ये है सर्च बार, इसको बोलते हैं हम सर्च बार, जो चीज़ों को ढूंढने के काम आती है। अब बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे कीवर्ड्स टाइप करेंगे जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए उससे संबंधित। जैसे मान लो हमें मौसम की जानकारी चाहिए तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? वेदर, weather, वेदर अपडेट। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो भी होगी इन्फॉर्मेशन ये दिखा देगा हमें ढूंढ के। ठीक है, तो ऐसे ही हम सर्च इंजन के अंदर चीज़ों को ढूंढते हैं। गाने भी, मूवीज़ भी, जैसे कोई मूवी डाउनलोड करनी हो, डाउनलोड बॉर्डर मूवी, हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे। तब देखो ये बॉर्डर मूवी आ गई यहाँ पे। यहाँ पे बहुत सारे लिंक्स दिए होते हैं नीचे, जिनको हम हाइपर लिंक बोलते हैं, इनके जरिए हम अंदर जा सकते हैं और मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा गूगल। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सर्च इंजन की तरफ, जिसका नाम है याहू।
याहू की भी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी थी, येट अनदर हायरार्किकल ऑफिशियस ओरेकल। तो याहू क्या था पहले तो ये देख लेते हैं कि याहू जो है बाद में बना था सर्च इंजन, पहले क्या था ये। याहू इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ईमेल प्रोवाइडर। याहू क्या एक सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है एक ईमेल प्रोवाइडर है, पहले ये ईमेल के काम आता था, बट अब क्या है सर्च इंजन बन चुका है। देखो दैट होल्ड्स फोर्थ प्लेस इन वेब सर्च, अब इसने चौथा स्थान हासिल कर लिया है वेब सर्चेस के ऊपर, ठीक है। याहू प्रोवाइड सर्च रिलेटेड सर्विसेज दैट आर पावर्ड बाई गूगल एंड बिंग सर्च इंजन। अब देखो याहू जो हमें सर्च रिलेटेड सर्विस उपलब्ध करवाता है वो पावर्ड की हुई है गूगल और बिंग, नहीं गूगल और बिंग की सर्विसेज को यूज करता है याहू ढूंढने के लिए, ठीक है। याहू इज डिफॉल्ट सर्च इंजन फॉर मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर। अब याहू जो है वो डिफॉल्ट सर्च इंजन रहता है मोजिला फायरफॉक्स के अंदर, जबकि गूगल क्रोम है ना उसमें रहता है गूगल डिफॉल्ट सर्च इंजन, लेकिन जो मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर है ना, जो मैंने आपको कल दिखाया था मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर, उसमें जो डिफॉल्ट सर्च इंजन रहता है उसका वो याहू ही रहता है, ठीक है। तो ये था इसका सेकंड याहू। अब देखने में तो मैंने आपको दिखा दिया, ये देखो गूगल सर्च इंजन, यहाँ पे हम टाइप करते हैं है ना। अब मैं आपको दिखा देता हूँ याहू, ठीक है, याहू को दिखा देता हूँ मैं आपको कि याहू में भी हम कैसे करते हैं। यहाँ पे हम टाइप करेंगे www.yahoo.com, ये देखो ये याहू आ गया। अब यहाँ पे भी सेम वैसे ही हम चीज़ों को ढूंढते हैं, डाउनलोड म्यूजिक, यहाँ पे ये भी सेम वैसे ही ढूंढ के देता है हमें लिंक्स, ठीक है। तो ये दूसरा सर्च इंजन हमारा याहू है। चलिए अब चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। अब तीसरा पॉइंट है हमारा बिंग, यानी कि हमारा जो थर्ड सर्च इंजन है वो है बिंग। बिंग इज द डिफॉल्ट सर्च इंजन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। बिंग जो है वो एक डिफॉल्ट मतलब पहले से ही एक सर्च इंजन आता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर ही होता है बिंग, ठीक है। इसको हम गूगल के ऊपर भी वहाँ पर इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। अब देखो इसको बनाया किसने, इट इज़ डिवेल्पड बाई माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, ठीक है। बिंग को किसने बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। इट प्रोवाइड वेब रिलेटेड सर्चेस, अब देखो ये क्या क्या हमें वेब रिलेटेड सर्चेस जो है देता है, सच एज वीडियोज पिक्चर सॉफ्टवेयर मैप्स एक्सेट्रा, इसके अंदर भी सब कुछ हम ढूंढ सकते हैं इस सर्च इंजन के अंदर, ठीक है। तो चलो मैं आपको बिंग को भी दिखा देता हूँ कि इसके अंदर हम कैसे चीज़ों को ढूंढते हैं, कैसे इसके अंदर ब्राउज करते हैं। तो चले चलिए हम चलते हैं अपने वेब ब्राउजर के ऊपर, ठीक है। ये हमारा वेब ब्राउजर गूगल क्रोम, यहाँ पे हम लिखते हैं www.bing.com, ये देखो ये आ गया बिंग, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम जैसे डाउनलोड गेम्स, देखो यहाँ पे आ गए गेम्स, इसमें भी सेम वैसे ही है, ये भी सेम वैसे चीज़ों को ढूंढता है, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड सर्च इंजन बिंग। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था, कल फिर हम नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, तब तक आप सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय हिमाचल।